हेलो स्टूडेंट आज का टॉपिक है यूजर अकाउंट्स मैनेजमेंट इंडेक्सिंग पीएलएसपीएल कर्सन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पीएलएसपीएल सबसे पहले देखते हैं यूजर अकाउंटिंग मैनेजमेंट एंड इंडेक्सिंग यूजर अकाउंट क्या होता है इंडेक्सिंग क्या होता है हम कैसे यूजर अकाउंट के साथ काम करते हैं इंडेक्सिंग कैसे हम क्रिएट करते हैं वो देख लेते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि यूजर अकाउंट हम कैसे क्रिएट करते हैं तो यूजर अकाउंट क्या करता है यूज... यूजर अकाउंट क्या होता है हमको अगर ओरेकल डेटाबेस से या डेटा बेस से कम्युनिकेट करना है तब हम किसका यूज करेंगे यूजर अकाउंट का यूज करेंगे तो क्रिएट हम यूजर क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट यूजर स्टेटमेंट का यूज करेंगे जिसका यूज करके हम एक यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं जिस, आ, जिसके हेल्प से डेटाबेस से हम कम्युनिकेट यूजर अकाउंट यूजर नेम से आइडेंटिफाई किया जाता है यूजर नेम और पासवर्ड भी रहता है उसमें इसके इसका यूज करके हम डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं यूजर अकाउंट्स के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो क्या होते हैं जैसे पासवर्ड डेटाबेस ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड प्रोवाइड करेगा प्रिविलेज एंड रोल प्रीविलेज मतलब हम लोगों को ऑथेंटिकेट करने के लिए परमिशन देगा डिफॉल्ट टेबल स्पेस फॉर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, फिर डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेस फॉर क्वेरी प्रोसेसिंग एंड वर्क स्पेस वर्क स्पेस एंड क्वेरी प्रोसेसिंग के लिए डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेस प्रोवाइड करेगा बेसिक सिंटेक्स क्या होता है देख लेते हैं यूजर अकाउंट का यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए बेसिक सिंटेक्सैक्स होता है क्रिएट क्रिएट यूजर यूजर नेम आइडेंटिटी फाइड बाय पासवर्ड तो इसमें देखते हैं जो इसका पैरामीटर से वो क्या है पहला है क्रिएट यूजर यूजर नेम तो ये क्या स्पेसिफाई करता है जो हम यूजर क्रिएट करते हैं किस नाम से क्रिएट करें या यूजर किस नाम से स्पेसिफाई करता है फिर आइडेंटिफाई आइडेंटीफाइड बाय पासवर्ड क्या करता है स्पेसिफाई क्या करता है लोकल यूजर जो एक लॉगन होगा एक तरीके से पासवर्ड होगा जो हमको डेटाबेस से कनेक्ट करेगा फिर क्रिएट यूजर का एक एग्जांपल देख लेते हैं जैसे हम लोगों को एक जॉन नाम का डेटा यूजर बनाना है जिसका पासवर्ड रहेगा एबीसीडी वन टू थ्री फोर तो हम क्या लिखेंगे क्रिएट यूजर जॉन आईडेंटिफाइड बाई एबीसीडी वन टू थ्री फोर ही हम इसको सेमी कॉर्नर लगा करके जैसे ही एंटर करेंगे रन करेंगे हमारे पास लिखा हुआ आएगा यूजर जॉन क्रिएटेड इसका मतलब होता है कि जॉन नाम का यूजर डेटाबेस में क्रिएट हो गया है नेक्स्ट देते हैं यूजर अकाउंट मैनेजमेंट यूजर अकाउंट मैनेजमेंट में क्या आता है प्रोसेस आता है कि हम यूजर अकाउंट कैसे बनाते हैं उसको प्रिविलेज कैसे देते हैं उसमें रोल कैसे प्रोवाइड करते हैं उस अकाउंट को हम रीनेम कैसे करते हैं यूजर को हम लोग रीनेम करना या नया यूजर क्रिएट करना या अकाउंट को डिलीट करना यूजर अकाउंट को या यूजर अकाउंट को किस तरीके से मैंटेनेंस करना सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सारा चीज आपका यूजर अकाउंट मैनेजमेंट में ग्रैंड प्रिविलेज अकाउंट क्या होता है जो हम यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं उसको ग्रांटिंग परमिशन देना उसमें एक तरीके से परमिशन देना कि हम इसमें कोई भी कार्य या कोई भी मॉडिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं ग्रैंड प्रिविलेज में क्या होता है ग्रैंड प्रिविलेज अगर देना होता है तो क्रिएट यूजर बुक एडमिन आइडेंटिफाई बाई माई पासवर्ड है इसमें हम लोग क्या करेंगे सिंपली बुक एडमिन नाम से एक अकाउंट क्रिएट किए हैं जो आइडेंटिफाई स्पेसिफाई माई पासवर्ड के थ्रू किया गया है इसमें ग्रांट स्टेटमेंट क्या करता है हम लोग का जो अकाउंट क्रिएट किया गया है उसको ग्रांट स्टेटमेंट के थ्रू एडिंग या मॉडिफिकेशन का परमिशन प्रोवाइड करेगा जो ग्रांट है वो बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट होता होता है जिसमें हम बहुत सारे मैनेजिंग फंक्शनैलिटीज का यूज करते हैं यूजर और रोल डेटाबेस में प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइडिंग रूल क्या करता है जो हमारा यूजर बना हुआ है यूजर हम क्रिएट करते हैं उससे कनेक्ट करने की परमिशन देता है बने हुए यूजर अकाउंट में ग्रांट प्रिविलेज देने के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे ग्रांट कनेक्ट टू बुक्स एडमिन बुक्स एडमिन नाम से हमारे यहाँ पे यूजर अकाउंट बनाया गया है कनेक्ट टू मतलब हमको जो यूजर अकाउंट है उससे क्रिएट करेगा इस यूजर अकाउंट का नाम हमारे क्या है बुक एडमिन फिर नेक्स्ट ग्रैंड कनेक्ट रिसोर्सेज डी टू जो नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है वो क्या करेगा रिसोर्सेज एड करने के लिए हमको रोल प्रोवाइड करेगा यूजर अकाउंट बने हुए यूजर अकाउंट में नेक्स्ट देखते हैं असाइनिंग प्रिविलेज प्रिविलेज असाइन करना एक तरीके से हम लोगों को प्रिविलेज प्रोवाइड करना है कि हम अपने यूजर अकाउंट के साथ क्या क्या काम कर सकते हैं इसके लिए सेंटेक्स है आपका ग्रांट क्रिएट सेशन ग्रे एनी प्रिविलेज टू बुक बुक्स एडमिन अंडर स्कोर एडमिन यह हमारा यूजर है इसमें हम क्या क्रिएट कर रहे हैं सेशन क्रिएट कर रहे हैं कोई भी प्रिविलेज इसमें प्रोवाइड एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल के लिए दिया गया है जैसे हम ग्रांड करना चाहते हैं टेबल स्पेस तो उसके लिए क्या लिखेंगे ग्रांट अनटाइटल्ड टेबल स्पेस टू बुक्स एडमिंग फिर टेबल प्रिवलेज कैसे देते हैं टेबल प्रिवलेज मतलब अगर हम अपने यूजर अकाउंट में जो ओरिकल डेटाबेस में प्रोवाइडेड है उसमें सिलेक्ट अपडेट इंसर्ट डिलीट या कोई भी मॉडिफिकेशन का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमको पहले यूजर अकाउंट में ग्रैंड प्रिवलेज एड करना पड़ेगा उसके बाद ही हम उसको यूज कर सकते हैं सिलेक्ट जैसे यहां दिया गया है ग्रांड सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑन स्कीमा डॉट बुक्स स्कीमा जो टेबल का स्ट्रक्चर है टू बुक्स एडमिन जो हमारा यूजर अकाउंट है उसमें ग्रैंड प्रिविलेज प्रोवाइड कर रहे हैं सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट और डिलीट की अब नेक्स्ट देखते हैं रिवोकिंग प्रिविलेज रिवोकिंग प्रिविलेज का यूज हम क्यों करते हैं जो प्रिविलेज हम देते हैं उसको रिमूव करने के लिए या यूजर या रोल हम जो उसको प्रोवाइड करते हैं उसको रिमूव करने के लिए हम रिवोक प्रिविलेज का यूज करते हैं रिवोक प्रिविलेज स्टेटमेंट का यूज करने पर क्या करेगा जो भी हमने यूजर्स क्रिएट किया गया है उससे इस जो प्रिविलेज है उसको रिमूव कर किस टाइप्स की देख लेते हैं ये किस टाइप की प्रिविलेज रिवोक कर सकता है जैसे स्पेसिफिक टेबल से डेटा को डिलीट कर सकता है स्पेसिफिक टेबल में डेटा को जो इंसर्ट करते हैं उसको हटा सकता है फिर फॉरिन की का जो रेफरेंस होता है टेबल के लिए उसको आइडेंटिफाई करता है फिर क्या करेगा टेबल से व्यू से और सबसेट से क्या करेगा डेटा को सिलेक्ट करेगा क्रिएट करना चाहते हैं अगर किसी टे, किसी टेबल में अगर हम ट्रिगर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो होगा डेटा अपडेट करना चाहते हैं किसी टेबल कॉलम से तो उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा फिर जैसे ही स्पेसिफिक रूटीन होता है उसी के अकॉर्डिंग ये रन होगा सिंटेक्स देखते हैं रिवोक स्टेटमेंट क्या होता है रिवोक सिस्टम प्रिविलेज या ऑब्जेक्ट प्रिविलेज फ्रॉम यूजर्स ये यूजर आपका क्या डिफाइन करता है यूजर अकाउंट को जैसे देखिए यहाँ पे पैरामीटर से समझते हैं सिस्टम प्रिविलेज क्या करता है यूजर को क्या अलाउ करता है क्रिएट अल्टर और ड्रॉप ऑब्जेक्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फिर ऑब्जेक्ट प्रिविलेज क्या करता है ये क्या यूजर को एग्जीक्यूट सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट और डिलीट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं डेटाबेस से उससे प्रिविलेज को अप्लाई करता है फिर यूजर्स क्या करता है ये हमारा प्रिविलेज जिस यूजर अकाउंट में प्रिविलेज दिया गया है उसको डिफाइन करता है एक एग्जांपल जैसे सिंटेक्स है रिवोक सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑन स्कीमा डॉट बुक स्कीमा डॉट बुक जो हमारा बुक्स एडमिन यूजर है उसका स्कीमा डिफाइन करता है स्ट्रक्चर फ्रॉम बुक्स एडमिन और सेमी ये हमारा क्या है यूजर अकाउंट नेक्स्ट देखते हैं मॉडिफाइंग पासवर्ड मॉडिफाइंग पासवर्ड मतलब जो हम यूजर अकाउंट क्रिएट किए हैं उसका अगर हमको यूजर नेम या पासवर्ड अगर हमें चेंज करना है तो हम इस स्टेटमेंट का यूज करके चेंज कर सकते हैं इसके लिए सिंटेक्स आपका क्या है सबसे पहले तो मॉडिफाई पासवर्ड करने के लिए हमको अल्टर कमांड का यूज करना पड़ता है अल्टर कमांड क्या है अल्टर यूजर यूजर नेम आइडेंटिफाई आइडेंटिफाइड बाई न्यू पासवर्ड रिप्लेस करेंट पासवर्ड तो यहाँ पे अल्टर यूजर आपका कमांड है यूजर में आप जो यूजर बनाए वो लिखेंगे आइडेंटिफाई बाई पासवर्ड आपका जो न्यू पासवर्ड देना चाहते हैं वो लिखेंगे रिप्लेस फिर जो आपका करेंट पासवर्ड रहेगा वो देंगे जैसे आपका एक एग्जांपल दिया अल्टर यूजर माई यूजर आइडें आइडेंटिफाई बाई श्रेया वन नाइन टू सेवन ये मेरा न्यू पासवर्ड है रिप्लेस करना चाहते हैं हम एबीसी वन टू थ्री से तो हमारा अब करेंट पासवर्ड क्या हो जाएगा यूजर होगा माई यूजर पासवर्ड होगा आपका श्रेया वन नाइन टू सेवन नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग इंडेक्स क्या होता है स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है जो टेबल के टॉप में क्रिएट किया जाता है इंडेक्स में हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जिसको हम फास्टर वे में मैनिपुलेट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में फास्टर वे में मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं जैसे सिलेक्ट डिलीट अपडेट एक इंडेक्स को हम एक तरीके से टेबल भी बोल सकते हैं और जिसका एक डेटा स्ट्रक्चर होता है अब नैस कैसे क्रिएट करते हैं इंडेक्स क्रिएट करने के लिए हमको आई एन डी एक्स एंड अंडर स्कोर लास्ट नेम से हम क्या करेंगे एक कॉलम बनाएंगे या पर्सन टेबल है क्रिएट करना है हमको तो क्या इंडेक्स क्रिएट करने के लिए हम सिंटेक्स क्या यूज करेंगे क्रिएट इंडेक्स आईडी एन एक्स अंडर स्कोर लास्ट नेम ऑन पर्सन लास्ट नेम तो ये आप हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा हमारा इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा फिर अगर हमको कॉम्बिनेशन करना है कॉलम्स के कॉम्बिनेशन के साथ इंडेक्स क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे क्रिएट इंडेक्स आईडी एक्स अंडर स्कोर पी नेम पर्सन नेम ऑन पर्सन लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम तो इससे हमारा एक साथ दो कॉलम एड हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ इंडेक्स इंडेक्स का यूज हम क्यों करते हैं डेटा बेस से डेटा को फास्टली रिट्रीव करने के लिए हम इंडेक्स का यूज कर सकते हैं यूजर्स को इंडेक्स शो नहीं होता है स्पीड और सर्च क्वेरी सर्चिंग के लिए बस यूजर अपने अकॉर्डिंग या अपने नीड के अकॉर्डिंग इंडेक्स का यूज करता है अब डिलीट कैसे करते हैं हम इंडेक्स वो देख लेते हैं एमएस एक्सेस से अगर हमको इंडेक्स डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे ड्रॉप इंडेक्स इंडेक्स का नेम और टेबल नेम जिस नेम से इंडेक्स डिलीट करना है उस टेबल का नेम देंगे एसक्यूएल सर्वर से करना है तो क्या देंगे ड्रॉप इंडेक्स टेबल नेम डॉट इंडेक्स अंडर स्कोर नेम इक्स का नेम और टेबल का नेम दोनों देना पड़ेगा और एकल में करना है तो सिंपली ड्रॉप इंडेक्स इंडेक्स का नेम और सेमी कॉलन तो आपका इंडेक्स डिलीट हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं पीएलएसक्यूएल कर्सर क्या होता है पीएलएसक्यूएल कर्सर हम क्यों यूज करते हैं ये तरीके से एक कॉन्टेक्स्ट एरिया में पॉइंटर का वर्क कर पीएलएसक्यूएल कंट्रोल्स कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट एरिया को कर्सर के थ्रू कंट्रोल करते हैं एक कर्सर रो को होल्ड करता है जो एसक्यूएल स्टेटमेंट के द्वारा रिटर्न किया जाता है सेट ऑफ रोज जो कर्सर होल्ड्स करता है उसको हम एक्टिव सेट के थ्रू रिफर्स करते हैं अब देखते हैं कर्सर कितने टाइप्स के होते हैं तो बेसिकली कर्सर दो टाइप्स के होते हैं इम्प्लीसिट कर्सर और एक्सप्लिसिट कर्सर इम्प्लीसिट कर्सर का यूज हम क्यों करते हैं जब हमको डेटा बेस में डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है जब हमको नीड होती है डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करने की जैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट तब हम इम्प्लीसिट कर्सर का यूज करते हैं अब एक्सप्लिसिट देखते हैं कर्सर का यूज हम क्यों कर सकते है? ये क्या करता है सब कर्सर के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कंट्रोल कॉन्टेक्ट एरिया में प्रोवाइड करता है कर्सर एसक्यूएल ब्लॉक के डिक्लेरेशन सेक्शन में डिफाइन किया जाता है जो ये सिलेक्ट स्टेटमेंट में क्रिएट किया जाता है जो एक या एक से ज्यादा रो को रिटर्न करता है अब देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या होता है एक्सप्लीसिट अंडरस्कोर स्टेटमेंट इससे क्या होगा आपका इस इंटेक्स से एक्सप्लीसिट कर्सर क्रिएट होगा अब नेक्स्ट देखते हैं आपका एक्सप्लीसिट इंक्लूडेड रहते हैं इसमें हम पहले क्या करते हैं कर्सर को डिक्लेयर करते हैं मेमोरी इनिशियलाइज करने के लिए फिर हम क्या करते हैं कर्सर को ओपन कर मेमोरी एलोकेट करने के लिए फिर फैचिंग करते हैं फैचिंग क्यों करते हैं हम लोग डेटा को रिट्रीव करने के लिए फिर कर्सर को क्लोज करते हैं जो हम मेमोरी प्रोवाइड किए हैं उसको रिलीज करने के लिए अब देखते हैं फॉर लूप का यूज कर्सर के साथ कैसे करते हैं फॉर लूप का यूज करने के लिए कर्सर में हम कर्सर फॉर लूप स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम फॉर लूप का यूज क्यों करते हैं जब हमको सारे रिकॉर्ड जो कर्सर के हैं उसको फैच या प्रोसेस करना होता है तब हम फॉर लूप का यूज करते हैं कर्सर के साथ इसके लिए सेंटेक्स होता है आपका और पीएलएसक्यूएल में फॉर रिकॉर्ड अंडरस्कोर इंडेक्स इन कर्सर फिर कर्सर का नाम देंगे फिर लूप लूप लिखेंगे फिर आपका स्टेटमेंट देंगे फिर लूप को एंड करेंगे इससे क्या होगा आपका पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लूप आपका चलता रहेगा और जैसे ही आपका जो स्टेटमेंट है फॉल्स होगा आपका लूप जो है वो एंड हो जाएगा पैरामीटर्स देखते हैं आपका रिकॉर्ड इंडेक्स क्या डिफाइन करता है रिकॉर्ड के इंडेक्स को कर्सर नेम आपका क्या डिफाइन करता है उन कर्सर के नेम को आइडेंटिफाई करता है जिससे हम रिकॉर्ड फेच करना चाहते हैं फिर स्टेटमेंट आपका क्या डिफाइन करेगा स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूटेबल एग्जीक्यूटेबल पार्ट होगा जो हमको लूपिंग में अपने अकॉर्डिंग यूज करना है नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पीएलएसक्यूएल एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है कितने टाइप्स के होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज क्यों करते हैं हम जब पीएलएसक्यूएल में कोई भी एरर कंडीशन कॉल होता है तब हम एक्सेप्शन का यूजर डिफाइन होता है एक्सेप्शन क्या होता है आपका यूजर डिफाइन होता है जब भी एरर आपका अकर होता है तब हम एक्सेप्शन यूज करते हैं एक्सेप्शन में जो भी हम कंट्रोल यूज करते हैं उस कंट्रोल को आ, प्रोसेस करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट का यूज करते हैं जो कि पीएलएसक्यूएल ब्लॉक के या सब सब प्रोग्राम के अंदर डिफाइन किया जाता है कितने टाइप्स के एक्सेप्शन हैंडलिंग होते हैं आपके दो टाइप्स के एक्सेप्शन हैंडलिंग होते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शन और यूजर डिफाइन एक्सेप्शन बिल्ट इन एक्सेप्शन एक प्री डिफाइन एक्सेप्शन होता है ये तब रेज होता है ऑटोमेटिकली रेज हो जाता है जब ओरिकल इंजन में किसी भी प्रोग्राम में या प्रोग्राम लिखते टाइम कोई भी एरर आता है तब ये ऑटोमेटिकली रेज हो जाता है ये भी एरर्स होते हैं वो एक यूनिक नंबर या मैसेज के थ्रू डिफाइन किए जाते हैं जब कोई आ, एरर या वार्न, वार्निंग प्रोग्राम में कॉल होता है तब एक्सेप्शन उस एरर के इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है बिल्ट इन एक्सेप्शन क्या इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है अब नेक्स्ट देखते हैं आपका यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन पीएलएसक्यूएल क्या करता है जब हम प्रोग्राम लिखते समय यूजर खुद एक्सेप्शन को डिफाइन करता है तब उसको हम यूजर डिफाइन एक्सेप्शन बोलते हैं प्रोग्राम लिखते समय यूजर को खुद डिक्लेयर करना होता है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन के बारे में इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे डिक्लेयर स्टेटमेंट का यूज करेंगे और एक्सेप्शन डिक्लेयर करेंगे इसके लिए सेंटेक्स दिया गया है डिक्लेयर माय एक्सेप्शन और एक्सेप्शन सेमी इससे आप क्या करेंगे यूजर डिफाइन एक्सेप्शन को डिफाइन कर सकते हैं थैंक यू